अरे यार कुछ भी दिखता नहीं यार, मैं कहां से कहां निकल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पर और भी जाना बाकी है हम लोग, और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हम लोग क्लाउड्स को ही टच करने वाले हैं। तो ये प्यारा सा बच्चा लोग मेरे पीछे कर रहा है। अरे कि ऊपर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इतना खर है, यहाँ पर इस तरफ भी है खर और इस तरफ भी खर है। और तो नमस्कार, मेरा नाम है रोंगमोन और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं ऑफरोडिंग करने के लिए जा रहा हूँ, एक पहाड़ी चढ़ने के लिए। बहुत धमाका और मजेदार ऑफरोडिंग होगा। सो दोस्तों वो जगह पड़ती है इस गारो हिल्स पड़ती है जगह। सो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, मैं थोड़ा सा भीग गया हूँ और कोई बात नहीं, बारिश आ गया तो आ गया, हम तो चलते रहेंगे। और अभी मैं मैंगो ट्री के अंदर हूँ, यह मैंगो ट्री के अंदर हूँ अभी मैं। चलो तो फिर ऑफरोडिंग करने के लिए एक पहाड़ी पर जो कि खतरनाक पहाड़ी होगी और खतरनाक ऑफरोडिंग होगी। मेरा ब्रेक को डर रहा हूँ क्योंकि ये जो मैंने ब्लेडर से बनकर रखा था वो टूट रहा है। सो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ऑफरोडिंग करने के लिए। पर ये भी ग्रिप गया और इस तरफ भी ग्रिप गया, बाकी सारा सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर डिस्टर्ब थोड़ा सा दे रहा है क्यों है, पर इसकी वजह से इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इस तरफ ब्रेक बार टूट गए ना, न्यू ब्रेक ऑर्डर दिया था, ब्रेक और गियर आएगी, ये कॉम्बो होता है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये टायर भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 5 मंथ होने ही वाला है, ओनली 6-7 डेज रिमेनिंग। मेरे को लगता था टायर ही खराब हो जाएगी, पर नहीं, सबसे पहले गियर खराब हो गया। अभी मैं गियर को तो ऑर्डर दिया हूँ, उसके बाद क्या होता है, क्या खराब होता है मेरे को मालूम नहीं। सो गियर की वजह और कुछ भी खराब नहीं हुआ, बिल्कुल साइकिल एकदम ठीक ठाक ही है। सो सिर्फ गियर शिफ्टर और डेरिलर दोनों ही थोड़ा सा डिस्टर्ब दे रही है, इसके सिवा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस साइकिल का, काफ़ी अच्छा है। और आप लोग देख सकते हैं पर कलर भी नहीं गया था, काफ़ी अच्छा है। चलो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ही डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लिया है। सो अभी हम लोग एक रिवर क्रॉस करने वाले हैं, यहाँ पर रिवर क्रॉस करने वाले डोलोंग भर देने पर है 10 रुपीज में। ओ माझा कुछ लग गया दोस्तों, वाओ। सो दोस्तों मेरे को वहाँ पर 10 रुपीज देना पड़ा ये ब्रिज की भरा। सो मैं कहाँ तक जा पा रहा हूँ मेरे को, ओ माजे पूछा लगे यार दोस्तों। अरे यार कुछ भी दिखता नहीं यार, मैं कहाँ से कहाँ निकल पा रहा हूँ यार, मेरे को तो रास्ता भी भूल गया यार, मैं तो रास्ता भी भूल गया यार दोस्तों, जस्ट निकल पा रहा है यार। टिकट अगर कोई आ गए ना तो डायरेक्ट उड़ा दूंगी क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है। अरे यार कहाँ निकल पा रहा यार, ये तो रास्ता मिस्टेक है यार, गलत रास्ता पर आ गए क्या? ओ यार गलत रास्ता पर आ गया यार, ओ यही है शायद, ये शॉर्टकट है। अच्छा ये शॉर्टकट है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे को जाना पड़ेगा अभी। अरे बाबा या ओ लेट्स गो, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको तो यहाँ से शॉर्टकट तो जाना ही पड़ेगा, अगर वापस लेना मेरा टाइम लॉस हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से ही जा रहा हूँ। वाह मिल गया फाइनली दोस्तों, मैं एकदम शॉर्टकट आ गया और अभी मेरे को यहाँ से जाना है। न्यू एक्सपीरियंस, क्या मजा आ गया यार दोस्तों, ओहो
अरे यार, ओ वाह, क्या मजा। आप लोग दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये तू थी गया फाइनली। सो कोई बात नहीं है, आज मेरे को एक दोस्त ने बुलाया है, आज मैं उन लोगों की घर में ही रह लूंगा। सो वहां पर ही मैं इसको ठीक करूंगा। सो कोई बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को तो देखने में तो ये पहाड़ी जैसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये इतना पहाड़ी है। सच में दोस्तों ये इतना पहाड़ी है। पहाड़ी चढ़ने का मजा ही कुछ अलग है यार दोस्तों। ओ नो, और भी है भाई। दोस्तों आप लोग देख सकते हो पर और भी चढ़ने का बाकी है। ओ या, कमान फॉक्स, कमान कमान या। मेरे दोस्त को कॉल करना पड़ेगा अभी, और कितना दूर है। ओ मैं तो थक गया हूँ यार दोस्तों। और पीछे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक पहाड़ी है, इसको तो उठाना मुश्किल है यार, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, और ऐसे करके और ऊपर जाना है। मेरे को तो ये बहुत टफ लग रहा है। जय श्री राम। अरे यार ऑटोमेटिक गियर चेंज हो गया यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। या ओ आ, या ओ, मेरे से नहीं होगा दोस्तों, पहाड़ के ऊपर और पहाड़ है। दोस्तों आप लोग दोस्तों यहाँ पर और भी जाना बाकी है हम लोगों को, मेरे को और भी जाना बाकी है। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हम लोग क्लाउड्स को ही टच करने वाले हैं, और थोड़ा ऊपर हो तो आराम से क्लाउड्स को टच कर पाते। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फॉक्स भी थक गया है थोड़ा सा, उसको भी रेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, आप लोग तो जान ही गया होगा कि मैं कितना पहाड़ को चढ़ के आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं पर इस पहाड़ी को देखकर तो आप लोग समझ ही गए होगा। मैं तो एकदम पूरा का पूरा थक गया हूँ यार दोस्तों, क्या ही बताओ यार, पूरा हालात खराब हो चुका है दोस्तों। मैंने एक दोस्त को फोन किया था, वो और थोड़ा ही बाकी है, और थोड़ा पहाड़ी चढ़ कर आ जाओ, और यहाँ पर ही है मेरा घर, ऐसे बोल रहा है। सो मैं ट्राई करूंगा कि पास जाने के लिए, ज्यादा देर ना करके मैं थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नॉन स्टॉप चलते रहा तो पूरा का पूरा हालत ही खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी थोड़ा सा जरूरत है। मेरा फॉक्स भी यहाँ पर रेस्ट कर रहा है। ये ना गियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, इसलिए मेरे को कभी कभी पहाड़ उठाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सो ये फ्रंट की गियर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे का गियर ये टूट गए ना, इसलिए कभी कभी तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ये टू गियर पर आ जाती है, इसलिए पहाड़ी को चढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सो वन गियर से टू गियर तक आ जाते हैं कभी कभी तो। सो वन गियर पे ही पहाड़ी को थोड़ा सा उठाने के लिए आसान होता है, टू गियर में थोड़ा सा टफ है, इसलिए कभी कभी तो मैं पहाड़ी को भी उठाने नहीं पाता हूँ, इस गियर की वजह से कभी कभी तो चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं न्यू गियर ऑर्डर दिया हूँ। 9-10 तारीख में शायद आने वाला है। ये दोनों की साइड ऑर्डर दिया था मैंने, एक ऑर्डर दिया तो दोनों की ये दो साइड भी आ जाती है, इसलिए मेरे को तो अच्छा ही हुआ।
ओह ये कितना भयानक रास्ता है यार दोस्तों, मेरे पास ब्रेक भी नहीं है और ये इतना डाउन। अरे नहीं 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 ये हो नहीं सकता यार, ये कैसा है, कैसा रास्ता है यार। ओह पूरा का पूरा अंधेरा रास्ता है यार। उसने तो इस रास्ते से ही आने को कहा था, लेकिन ये क्या हुआ यार, इतना भयानक रास्ता है। पर मैं तो जाते जा रहा हूँ, पहुंच भी नहीं रहा हूँ यार, और कितना दूर है मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। अरे बाबा रे, ये रास्ता सही है और गलत है मेरे को कुछ भी नहीं पता। मैं तो जाते जा रहा हूँ यार, अगर ये रास्ता गलत हो तो मैं तो गया। अरे ये कुत्ता की आवाज़ आ रहा है मेरे को कुत्ता की आवाज़ आ रहा है, शायद हो भी सकता है मेरे को कुत्ता की आवाज़ आ रहा है अभी, शायद इस तरफ ही होगा। ओ ये कौन सी जगह है यार, जो मैंने पहले आया था वो तो ऐसे ऐसा नहीं था। अरे यार ये कौन सा जंगल की रास्ता में आ गया, मैं कौन सा गलत रास्ता पर आ गया। अगर ये ब्रेक ठीक होता ना इसको तो मैं उड़े देता। तो दोस्तों मैं फाइनली ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, अभी ये तो घर गांव पहुंच गया दोस्तों, एक गांव पहुंच गया। ओ नो 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 दोस्तों, आप लोग बचते हैं पर गांव, एक प्यारा सा गांव में मैं पहुंच गया। और अभी मेरे को उसको फोन करना चाहिए था। अरे यार इतना प्यारा सा गांव, तो ये प्यारा सा बच्चा लोग मेरे पीछे कर रहा है। आप लोगों को हिंदी मालूम, हिंदी मालूम नहीं, कोई बात नहीं, चलो रास्ता बहुत बचते हैं पर छोटा छोटा बच्चा लोग मेरा पीछा कर रहा है। हाय दोस्तों, इन दोस्त प्यारा प्यारा बच्चों ने मेरे को रास्ता दिखा दिया है। सो यहाँ पर ऐसे छोटा छोटा खोड़ है, यहाँ पर इतना प्यारा सा गांव है, इस पहाड़ के ऊपर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इतना घर है, यहाँ पर इस तरफ भी है घर और इस तरफ भी घर है। और मैं बिल्कुल पहुंच ही गया, सो मेरे को जाना है अभी इस रास्ते से। सो प्यारा प्यारा बच्चा लोगों ने मेरे को बता दिया है, सो मेरे को जाना है अभी इस रास्ते से। सो वो अभी कुछ काम कर रहा है इसलिए वो आ नहीं पा रहा है मेरे को लेने के लिए। सो मेरे को खुद जाना पड़ रहा है अभी। ओ क्या भयानक रास्ता है यार, बिल्कुल पहुंच गया और दोस्त के घर में पहुंच गया। और अभी मैं वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। सो वीडियो का तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। सो मैं कल वीडियो एक बना पाऊंगी और नहीं मैं ट्राई करूंगी बनाने के लिए। सो बाय बाय। मेरा साइकिल का हालात कुछ इस तरीके से हो चुका है, देखो कितना मिट्टी लगी हुआ है। दोस्तों अभी मैं गामोसे पहन कर रह रहा हूँ। सो अभी दोस्त लोग यहाँ पर है। सो दोस्तों आज रात तो यहाँ पर ही रह लूंगा, कल सुबह मैं निकलूंगी और मैं एक वीडियो बनाने के लिए भी कोशिश करूंगा कल सुबह। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।